आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। 15 मिनट में आपको बताएंगे 75 जिलों की खबर। लखनऊ में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, प्रदेश में करीब 24 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। हुसैनगंज के छतरपुर में गोपाल राय के घर आईटी की रेड। गाजियाबाद के बाद अब नोएडा में कुत्ते का कहर, लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने डिलीवरी बॉय को काटा। सेक्टर 75 एपेक्स एथेना सोसाइटी का मामला। गाजियाबाद में पालतू कुत्तों का कहर जारी, एक और बच्चे पर पालतू कुत्ते ने किया हमला, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के होटल लवाना में हुए अग्निकांड मामले में 3 सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट तैयार। फायर सेफ्टी के 20 मानकों को पूरा न करने के बावजूद दी गई थी एनओसी। लखनऊ के होटल अग्निकांड के बाद एक्शन में वाराणसी पुलिस, होटल्स में ताबड़तोड़ छापेमारी, कई होटल में नहीं मिली फायर सेफ्टी, मालिक पुलिस को देखते ही भागे। लखनऊ में सपा के पूर्व विधायक के घर पर चला बुलडोजर, पुल निर्माण में आई पूर्व विधायक की जमीन, सुभाष यादव ने बिना नोटिस दिए बुलडोजर चलाने का लगाया इल्जाम। सूखे को लेकर एक्शन में योगी सरकार, सर्वेक्षण के दिए आदेश, 75 जिलों में 75 टीमें इसके लिए काम करेंगी। सभी टीम को एक हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट, लापरवाही बरतने पर जवाबदेह होंगे। संसदीय क्षेत्र में दिनेश लाल निरहुआ ने शूटिंग के दौरान लगाया जनता दरबार, कहा 2024 में फिर बनेगी मोदी की सरकार। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का बयान, शाहजहांपुर को बनाएंगे यूपी का मॉडल जिला। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, आज ब्रिज और पश्चिम क्षेत्र की बैठक, 6 क्षेत्रों में 4 संगठन महामंत्री और 2 में प्रदेश अध्यक्ष करेंगे बैठक। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। मेरठ में गैंगस्टर बदन सिंह बदो के करीबी पर बड़ी कार्रवाई, डिपिन सूरी पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति होगी जब्त। मथुरा में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी हुआ घायल, बदमाश के कब्जे से कारतूस मोटरसाइकिल बरामद। कानपुर में युवक की पीट पीट कर हत्या करने का किया आरोपी, पत्नी संग गिरफ्तार, मृतक बलीवर पर सामान चोरी कर बेचने का था इल्जाम, सीसीटीवी में कैद हुई थी अंकुर उर्फ बाला की हैवानियत। 12 बंकी में मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, कुर्क अपराधियों में हड़कंप। लखनऊ में कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई, बिल्डिंग में अनियमितताएं पाए जाने पर कोचिंग सेंटर सील। मथुरा के लक्ष्मीनगर कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, लाखों का नुकसान। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर, डबल डेकर बस में पीछे से टकराई कई कार और ट्रक, हादसे में 10 से ज्यादा घायल, एक की मौत की सूचना। कौशाम्बी में बच्चा चोर समझकर मानसिक रूप से बीमार महिला को ग्रामीणों ने पीटा, महिला को बचाने के प्रयास में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। संभल में छेड़छाड़ के आरोप में युवक को तालिबानी अंदाज में सजा, ग्रामीणों ने युवक को रस्सी से बांधकर कई घंटे बनाए रखा बंधक, ग्रामीणों पर मारपीट का भी इल्जाम। मुरादाबाद में लंपी वायरस के बढ़ते मामले, एक जानवर की मौत, तेजी से कराया जा रहा वैक्सीनेशन।
यूपी के शाहजहांपुर में सड़क पर आराम फरमाता नजर आया मगरमच्छ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, वन विभाग को दी गई सूचना। बाराबंकी के एक विद्यालय से आया हैरान करने वाला मामला, अनुसूचित जाति के संस्कृत शिक्षक अभय कुमार कोरी का आरोप, विद्यालय में चोटी काटने के बाद मारपीट भी की गई। झांसी पुलिस का अजब कारनामा, भंडारी की चल रही पंगत के बीचों बीच पुलिस ने निकाली जीप, वीडियो हुआ वायरल। बस्तर चोरी की अफवाह से दहशत में बाराबंकी लोगों में डर का माहौल, एसएसपी बोले ये निराधार अफवाह होगी कार्रवाई। ताजमहल के सेंट्रल टैंक में बंदरों की कलाबाजियां, आधा दर्जन से ज्यादा बंदर ठंडे पानी में खेलते हुए नजर आए। सहारनपुर में 850 साल पुराने गोगावी महाराज की छड़ी पर नाग नागिन का बैठा मिला चूड़ा, लोगों ने नाग नागिन का लिया आशीर्वाद। देवरिया में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, खंडर में बदला सोनाड़ी स्वास्थ्य केंद्र, सांप बिच्छू निकलने का रहता है डर। बागपत में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में प्रदर्शन, त्यागी समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, श्रीकांत त्यागी की रिहाई की मांग। चंदौली में अपनी मांगों को लेकर ग्राम सेवकों ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, बड़ी संख्या में ग्राम सेवकों ने जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, ग्राम सेवकों ने मुख्यमंत्री के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। बरेली में डॉन बबलू श्रीवास्तव को आंखों की जांच के लिए लाया गया अस्पताल, श्रीराम मूर्ति मेडिकल कॉलेज में भारी सुरक्षा बल तैनात। भदोही में मामूली कहासुनी के बाद हुई मारपीट, एक व्यक्ति की मौत, नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जायसवाल समेत 7 नामजद और 15 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरोहा के गांव पृथ्वीपुर सराय में रामलीला के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता, बार बालाओं से कराया जा रहा डांस। झांसी में भूमाफियाओं की ठगी के शिकार हुए लोगों ने कमिश्नर से की शिकायत, जल्द से जल्द की कार्रवाई की मांग। गढ़वाल में कॉपी चेक किए बिना दे दिए 0 नंबर, विश्वविद्यालय के शिक्षकों का कारनामा, छात्र को शक होने पर मांगी थी कॉपी, छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय पर दर्ज कराई शिकायत। हरदोई में बच्चा चोरी के शक में युवक की हुई पिटाई, ग्रामीणों ने नल से बांधकर बेरहमी से पीटा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को कराया मुक्त। संबल में डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप, एक शख्स और एक महिला की हत्या, जंगल से दोनों के शव बरामद। जालौन में मामूली विवाद में चाकूबाजी, मामूली कहा सुनने के बाद एक युवक ने दूसरे युवक को मारा चाकू, एक युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक का हार्ट अटैक से निधन, गोला विधायक अरविंद गिरी का हुआ निधन। लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय अनिश्चितकाल के लिए हुआ बंद, बीएड छात्रा की खुदकुशी के बाद भड़के छात्रों ने शुरू किया था उग्र प्रदर्शन। बाराबंकी में 3 हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की गई कुर्क। बुलंदशहर की अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 5 बीघा जमीन पर फैली अवैध कॉलोनियों को हटाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पथराव और मारपीट, आधा दर्जन छात्र घायल, ट्रामा सेंटर में कराया गया भर्ती, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। झांसी में नहर में फंसे 3 भैंसों को बुलडोजर की मदद से निकाला गया, पानी के तेज बहाव में फंस गई थी 3 भैंसें।
सिद्धार्थनगर में फर्जी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करने वाले दो युवक गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लाखों रुपए बरामद, 11 एटीएम, 14 सिम कार्ड, 5 मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त किए। महाराजगंज में सूदखोरी से परेशान होकर एक शिक्षक ने दी जान, पुलिस जांच में जुटी। चंदौली के जंगल में पुलिस ने पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, और तस्कर 22 गोवंश को ले जा रहे थे बिहार। अलीगढ़ में बीच सड़क पर पति पत्नी के बीच जमकर हुई मारपीट, मामला गंभीर होने पर मौके पर पहुंची पुलिस, पति का आरोप पत्नी आए दिन करती है ब्लैकमेल। बहराइच के थाना दरगाह इलाके में युवक पर चाकू से हमला, लोगों ने युवक को पहुंचाया अस्पताल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतापुर में नगर पालिका प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर की कार्रवाई, ट्रक से लाई गई प्लास्टिक की गई जब्त। कासगंज के सिरपुरा क्षेत्र में किसान की गोली मारकर हत्या, खेत पर पानी लगाकर लौट रहा था किसान। अमरोहा के रजबपुर बाईपास मार्ग पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी डीसीएम, चालक की मौत, परिचालक हुआ घायल।